हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरोमाइट चैनल। आज हम सीखेंगे साइंस चैप्टर नंबर 12, सिंपल मशीन्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकॉन को दबाओ ताकि आपको हर चैप्टर्स के अपडेट मिलते रहें। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है ताकि आप सभी साइंस के चैप्टर्स लाइन से देख पाओ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो लेट्स स्टार्ट। इंसानों ने अपने रोज के काम आसान बनाने के लिए मशीनों का निर्माण किया। मशीनों द्वारा इंसान ने आगे जाकर बहुत प्रगति की। लेकिन मशीन्स किसको कहते हैं? कोई डिवाइस जिसे हम इस्तेमाल करके कम टाइम और कम एफर्ट में ज्यादा काम कर सकते हैं, उसे हम मशीन्स कहते हैं। मशीनों के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन्स, हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मशीन्स इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ मशीन्स सिंपल होती है और कुछ मशीन कॉम्प्लेक्स होती है। सिंपल मशीन्स जैसे कि नेल कटर, बॉटल ओपनर, व्हीलबैरो जैसे मशीनों का हम उपयोग करते हैं। मशीन्स जिसमें एक या दो पार्ट्स होते हैं और जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, उन्हें हम सिंपल मशीन्स कहते हैं। सिंपल मशीन्स को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उनके डैमेज या टूटने के चांसेस भी कम होते हैं। सिंपल मशीन्स में इंक्लाइंड प्लेन, वेज, लीवर, पुली और व्हील एंड एक्सल शामिल है। कॉम्प्लेक्स मशीन, मशीन जिनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जो ज्यादा काम और टास्क कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीन में पार्ट्स एक दूसरे से जोड़कर बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ पार्ट्स सिंपल मशीन से बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मशीनों का पूरा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम हमारे डे टू डे लाइफ में सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन दोनों यूज करते हैं। इनकी जरूरत हमारे टास्क पर डिपेंड करती और उस टास्क में लगने वाले टाइम और एफर्ट पर डिपेंड करती है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन को हम एक एक्टिविटी की मदद से समझेंगे। राहुल को ट्रक में हैवी ड्रम्स लोड करना है, इसलिए उसने ड्रम को ट्रक के पास लाया और उसे उठाकर ट्रक में लोड किया। इस पहली सिचुएशन में राहुल को पता चला कि एक ड्रम उठाने में ही उसकी सारी ताकत चली गई, इसलिए उसने प्लैंक लाया और ट्रक और ग्राउंड सरफेस पर लगा दिया। अब उसने दूसरा ड्रम लाया और उसे पुश करके ट्रक में डाल दिया, लेकिन उस ड्रम को पुश करके राहुल की पूरी ताकत चली गई। राहुल ने सोचा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि राहुल ने छोटा प्लैंक यूज किया और उसे ज्यादा वर्टिकली लगा दिया। फिर राहुल ये बड़ा प्लैंक लाकर ज्यादा स्लांट पोजीशन में ट्रक और ग्राउंड से अटैच किया। अब राहुल ने आसानी से ड्रम को रोल करके ट्रक में लोड किया। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही कम ऑब्जेक्ट का वेट उठाना पड़ेगा, और जितना शॉर्ट प्लैंक होगा उतना ही स्लोप स्टीपर बनते जाएगा, जिसे कि हमें ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा। इससे हमको यह सीख मिली कि ऑब्जेक्ट का वेट लिफ्ट करना हो तो स्लांटिंग प्लैंक यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें कम वेट उठाना पड़े और काम भी आसानी से हो जाए। इस प्लैंक को हम इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पेपर को ट्रायंगुलर शेप में काटो और उन ट्रायंगल के पॉइंट्स को ए, बी और सी नाम दो। अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट सी तक रेड लाइन खींचो। अब इस पेपर को पेंसिल पे रोल करो। आपको दिखा होगा कि जो लाइन आपने बनाई थी वो ग्रेजुअली नीचे आती गई। इसी प्रकार स्क्रू के थ्रेड्स बनाते हैं, इसलिए जब स्क्रू वुड में फिट किया जाता है तब वो आसानी से अंदर चला जाता है। इसलिए नेल को हैमर करने के मुकाबले स्क्रू को फिट करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। आसान शब्दों में स्क्रू एक रोल किया हुआ इंक्लाइंड प्लेन है जो आयरन के स्ट्रिप से बना है। उसी प्रकार यह रोड्स भी बनाए गए हैं जो माउंटेन्स से रैप हुए हैं। इसी वजह से बड़े बड़े व्हीकल्स आसानी से माउंटेन्स के ऊपर चढ़ सकते हैं। Many years ago, ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज स्क्रू मशीन को इन्वेंट किया। इस इन्वेंशन को शिप के होल्ड के अंदर का पानी बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
राउंड पाइप के अंदर रॉड फिट किया था। इस पाइप को 45 डिग्री में एक साइड वाटर में और दूसरी साइड फ्लैट सरफेस पर रखा जाता था। जब इस रॉड को घुमाया जाता है, तब इस डिवाइस के जरिए वाटर बाहर आता है। वेज। जब दो इंक्लाइंड प्लेन जॉइन हो जाते हैं, इसमें हमको एक नई मशीन मिलती है जिसे हम वेज के नाम से जानते हैं। इस वेज को ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट को दो पीसेज में सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक्स को वुड कट करने के लिए और नाइफ को फ्रूट्स कट करने के लिए बनाए हैं। नीडल्स और नेल भी वेज के टाइप्स हैं। लिवर। इस लिवर के कॉन्सेप्ट को हम एक्टिविटी की मदद से समझेंगे। फार्म के अंदर एक बड़ा सा स्टोन गड़ा है, उसको निकालने के लिए फार्मर ने दूसरा स्टोन उसके पास रखा और क्रोबा कुछ इस तरह से फंसाया। दूसरे एंड पर फार्मर ने जोर से प्रेशर डालकर उस फंसाए हुए स्टोन को आसानी से बाहर निकाला। इस मशीन को हम लिवर कहते हैं। लिवर के तीन पार्ट्स होते हैं, एफर्ट, लोड और फुलक्रम। जिस स्पॉट पर रॉड का लिवर रेस्ट करता है, उसे हम फलिक्रम ऑफ लिवर कहते हैं। इस पर लिवर रोटेट होता है, जो वेट लिवर उठाता है या वो फोर्स जो लिवर के अगेंस्ट लगता है, उसे हम लोड कहते हैं। लिवर का पार्ट जो फलिक्रम से लेकर लोड तक है, उसे लोड आर्म कहते हैं। लोड लिफ्ट करने के लिए दूसरे साइड पर फोर्स लगाना पड़ता है, उस फोर्स को हम एफर्ट कहते हैं। लिवर का पार्ट जो फलिक्रम से लेकर एफर्ट तक होता है, उसे एफर्ट आर्म कहते हैं। लिवर के तीन टाइप्स होते हैं, और यह तीन टाइप्स लिवर के एफर्ट, फुलक्रम और लोड पर डिपेंड करते हैं। लिवर का पहला टाइप है लिवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। लिवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेबल पर पेंसिल रख दो और उस पेंसिल पर रूलर को राइट एंगल में रखो। अब रूलर के एक साइड में पेपर वेट रखो। अब यहाँ पर लोड पेपर वेट है, यहाँ पर फलिक्रम है और यहाँ पर एफर्ट्स लगने वाले है। रूलर की यह साइड लोड आर्म है और दूसरी साइड एफर्ट आर्म है। पहले कंडीशन में एफर्ट आर्म छोटा रखो। अब रूलर के दूसरे साइड पे एफर्ट लगाओ। आपको महसूस होगा कि पेपर वेट को लिफ्ट करने के लिए ताकत लगानी पड़ी। दूसरी कंडीशन में एफर्ट आर्म को 4 सेंटीमीटर बढ़ाओ। अब फिर से रूलर के दूसरे साइड पे एफर्ट लगाओ। आपको महसूस हो गया होगा कि पहले के मुकाबले आपको कम ताकत लगानी पड़ी पेपर वेट को लिफ्ट करने के लिए। अब एफर्ट आर्म फिर से 4 सेंटीमीटर बढ़ाते जाओ और वेट को नोट डाउन करो। आपको इस एक्सपेरिमेंट से यह सीख मिली कि एफर्ट आर्म जितना लंबा होगा, उतना ही पेपर वेट को लिफ्ट करने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ा। इस टाइप के लिवर को हम लिवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पर फलिक्रम सेंटर में होता है और एक एंड पर लोड होता है और दूसरे एंड पर एफर्ट होता है। लिवर का दूसरा टाइप है लिवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। लिवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर को समझने के लिए हम बॉटल ओपनर का एग्जाम्पल लेंगे। बॉटल ओपनर में यहाँ पर फलिक्रम है, यहाँ पर लोड है और यहाँ पर एफर्ट लगाया जाएगा। सॉस बॉटल की कैप ओपन करने के लिए हमें ओपनर के एफर्ट आर्म को ऊपर की ओर खींचना पड़ेगा। इससे लोड आर्म कैप को ऊपर की ओर खींचता है और फलिक्रम कैप को रोटेट करता है। इस प्रकार बॉटल कैप से निकल जाता है। इस टाइप के लिवर को लिवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर कहते हैं। इसमें लोड सेंटर में होता है और एक साइड पर फलिक्रम होता है और दूसरे साइड पर एफर्ट्स होता है। लिवर का तीसरा टाइप है लिवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। हम टोंग का एग्जाम्पल लेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ऑब्जेक्ट जब हम टोंग से उठाते हैं, तब ऑब्जेक्ट का लोड टोंग के एक साइड पर रहता है और दूसरे साइड पर फलिक्रम होता है। हमें ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए एफर्ट सेंटर में लगाना पड़ता है। इस टाइप के लिवर को लिवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर कहते हैं। इसमें एफर्ट सेंटर में होता है और फलिक्रम एक साइड पर होता है और दूसरे साइड पर लोड होता है। पुली। पुली एक सिंपल मशीन है जिसका व्हील एक फिक्स्ड एक्सल पर फिट किया जाता है। उस पुली में चैनल होता है जिसमें से रोप गुजरती है। रोप के एक साइड पर लोड रहता है और दूसरे साइड पर हमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है। पुली का इस्तेमाल करते वक्त हमको एफर्ट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाना पड़ता है ताकि
हम वेट ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट कर सकें। अगर आपको कम एफर्ट के साथ ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करना है तो आपको दो या उससे ज्यादा पुली लगानी होगी। जितनी ज्यादा पुली होगी उतने आपको कम एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन याद रहे इसमें आपको रोप भी ज्यादा लगेगा। पुली को एलिवेटर्स और व्हील्स में से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ व्हील एंड एक्सल। आप सभी ने जायंट व्हील की सैर तो जरूर की होगी, पर आपने कभी सोचा है कि जायंट व्हील गोल गोल क्यों घूमता है? कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। जायंट व्हील को सेंटर के रॉड में फिट किया जाता है। इस रॉड को हम एक्सल कहते हैं। एक्सल पर व्हील्स फिट किए जाते हैं। जब एक्सल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घूमने लगता है तब व्हील्स भी घूमना शुरू हो जाते हैं। इन व्हील्स की वजह से पूरा जायंट व्हील घूमने लगता है। हमें इनके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाइसिकल के व्हील, इलेक्ट्रिक फैन, पिज्जा कटर, विंडमिल, ड्रिल मशीन और डोर नॉब। मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। चलती हुई मशीन में पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब होते रहते हैं, और जब इन पार्ट्स पर सॉइल और डस्ट आती है तब वो पार्ट्स और ज्यादा घिसने लगते हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स पर वेदर का इफेक्ट होता है, जैसे कि कुछ पार्ट पर रस्ट होती है और कुछ पार्ट्स सड़ जाते हैं। इस वजह से मशीनरी डैमेज होती है और फिर कुछ काम की नहीं रहती। इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें मशीनों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मशीनों को मेंटेन रखने के लिए हमें सारे पार्ट्स निकालकर अच्छे से क्लीन करने चाहिए, और जो पार्ट्स ज्यादा रब होते हैं उनके अंदर ऑयल या लुब्रिकेंट डालना चाहिए ताकि उन पार्ट्स का फ्रिक्शन कम हो। मशीन जब यूज में नहीं हो तो उसको कवर करना चाहिए ताकि उस पर डस्ट सेटल ना हो। मेटालिक पार्ट्स को वेदरिंग से बचाने के लिए उसको बाहर से पेंट लगाना चाहिए, और मशीन्स को हमेशा ड्राई प्लेस पर रखना चाहिए। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस चैप्टर का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।